और राहुल गांधी का आज मानगढ़ धाम का दौरा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जाएंगे मानगढ़ धाम। सुबह 9:30 बजे स्पेशल चार्टर प्लेन से रवाना होंगे। जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुबह 10:30 बजे डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम गहलोत। उदयपुर से मानगढ़ के लिए उसके बाद रवाना होंगे और सुबह 11:15 बजे हेलीकॉप्टर से मानगढ़ धाम के लिए रवाना होंगे सीएम गहलोत। दोपहर 12 बजे मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। मानगढ़ में राहुल गांधी की सभा में हिस्सा लेंगे। तो ये है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश जांगी बने हुए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। दिनेश, क्या कुछ अपडेट सीएम के शेड्यूल को लेकर? जी देखिए, पैरों से चोटिल होने के बावजूद भी आज सीएम अशोक गहलोत बांसवाड़ा आ रहे और पहले वो चार्टर प्लेन से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर लेकर मानगढ़ धाम पहुंचेंगे, जहां पहाड़ी के नीचे एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया। और दोपहर करीब 12 बजे तक सीएम अशोक गहलोत मानगढ़ धाम पहुंच जाएंगे और जैसा कि वहां पर तमाम जो सीनियर नेता है उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद वो राहुल गांधी का वहां पर इंतजार करेंगे और वही चेयर के जरिए। राहुल गांधी कब तक पहुंचेंगे? राहुल गांधी का क्या शेड्यूल? राहुल गांधी दोपहर 2 बजे तक है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जो आधिकारिक कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। प्रोग्राम में थोड़ा चेंजिंग हुआ है क्योंकि उन्हें आज जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके तहत पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी को अपना स्पीच देना है, जिसके चलते प्रोग्राम थोड़ा आगे यहाँ पर कह सकते हैं कि बढ़ा दिया गया है। जी दिनेश, ये दावा किया जा रहा है कि सबसे बड़ी सभा होने वाली है और इसमें जो भीड़ जुटने वाली है वो पीएम मोदी के भीड़ से भी कई गुना ज्यादा होने वाली है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश और गुजरात से भी काफी तादाद में आदिवासी समाज के लोग आएंगे। इसके अलावा पूरे उदयपुर, मेवाड़ और वागड़ अंचल से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों के लोग भी है वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पूरे राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। मंत्री और विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी, कांग्रेस की अगर हम रणनीति की बात करें दिनेश, तो सिर्फ रणनीति के अलावा और राजनीति के अलावा हर तबके के साथ खड़े होने की बात भी कही गई और ये बात कही है इस सभा को लेकर के भी कि हम एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं, राजनीतिक नहीं। क्या कुछ मायने इस बात के? जी देखिए, इसके सामाजिक राजनीतिक तमाम पहलू है क्योंकि यहाँ से गुजरात भी है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की 47 सीटें एसटी की है और आसपास जो जिले है मध्य प्रदेश के वहां पर करीब 15 से ज्यादा एसटी सीट के लिए रिजर्व है, जहाँ आदिवासी वोट बैंक है वो काफी तादाद में है। और इसी तरह 28 सीटें मेवाड़ वागड़ में, जिसमें 17 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, इन जिलों में आदिवासी समाज के काफी तादाद में वोट है। तो इस सभा के जरिए कांग्रेस पार्टी की आदिवासी वोट बैंक पर नजर है, उसको किस तरह वापस लाया जाए, क्योंकि मेवाड़ का अगर किला कांग्रेस पार्टी जीत देती है तो मिशन सरकार रिपीट है, उसमें उनको काफी मदद मिलेगी। इसलिए सियासी नजरिए से राहुल गांधी की मानगढ़ धाम पर ये मीटिंग करवाई जा रही है। जी दिनेश, क्या कुछ घोषणाएं भी हो सकती है, क्या कुछ वादे भी किए जा सकते हैं आगामी चुनावों के मद्देनजर? जी बिल्कुल, मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय ने कहा कि करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो विकास कार्यों की सौगात है वो आज सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी दे सकते हैं। क्या क्या वो विकास कार्य होंगे इसका खुलासा उन्होंने अभी नहीं किया, सस्पेंस वो बरकरार रखना चाहते हैं और इस तोहफे की घोषणा राहुल गांधी से करेंगे। साथ ही राहुल गांधी यहाँ पर कल एक जो मोबाइल महिलाओं को देने की स्कीम है वो लॉन्च करेंगे अशोक गहलोत जयपुर में, तो उस स्टॉल का भी राहुल गांधी अवलोकन करेंगे। 15 अगस्त को अन्नपूर्णा फूड पैकेट की शुरुआत होने जा रही है, उस स्टॉल का भी राहुल गांधी अवलोकन करेंगे, यह जानकारी भी अभी मीडिया को दी गई है। जी दिनेश, आप इसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपके साथ फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ मायने हैं राहुल गांधी के मानगढ़ दौरे के। जनसभा को संबोधित करेंगे, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। एक ओर जहां पर रणनीति की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि कांग्रेस आदिवासी समाज के साथ खड़ा है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भी 10 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पे भी जो आदिवासी सीटें हैं उन्हें भी साधने की कोशिश की जा सकती है। यानी एक तीर से दो निशाने लगाए जा रहे हैं, एक तरफ जहां पर बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है इस वोट बैंक को साधने की, वहीं पर
कांग्रेस भी अपने परंपरागत वोट बैंक को मिशन रिपीट के चलते एक बार फिर से साधने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें कि आज उदयपुर के मानगढ़ में बड़ी सभा होने वाली है, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11:15 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे।